स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्रवीण क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। तो अभी सुबह का टाइम है और दिन आज गुरुवार का और सुबह के ऐसा 8:30 बज चुके हैं यहाँ पे जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है और झाड़ू पोछा बाकी है, बाहर वाले रूम है जो उनमें कर दिया और अंदर वाला पोर्शन बचा हुआ है अभी ये समेटूंगी। और आज भी ये देखो यहाँ पे दक्ष सो रहा है, स्कूल के लिए रेडी होया था पर इसकी तबीयत रात को भी खराब हो गई थी, खांसी जुकाम और सर में दर्द बुखार बनने की हालत हो रखी थी, ऐसे हालात हो रखे थे। फिर ये सुबह उठकर तैयार भी हो गया था, मैंने खाना भी पैक कर दिया था, बिल्कुल रेडी हो गया था, फिर दवाई भी दे दी, फिर मैंने सोचा कि ये ज़्यादा थोड़ा ऐसे मुँह लटकाने लगा, फिर मैंने सोची एक दिन और मैंने भेज दिया था ऐसे ही कि तू ऐसे ही बोल रहा है स्कूल में जाने के लिए। तो फिर कुछ दिन इसको बहुत सारी दिक्कत हो गई थी स्कूल में, दो बार दवाई दी और वहाँ पर लेटर आया तो परेशान हो गया था, तो इसलिए फिर आज मैंने ये जाने नहीं दिया कि भी कहीं सच में ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उस दिन इसके पापा ने गुस्सा करा था कि क्यों जाने दिया, रख लेती एक दिन में कुछ नहीं होता, तो फिर अब इसके ज़्यादा ही दिक्कत हो रखी थी, रात को 1-1.5 घंटा परेशान रहे और अब ये सो रहा है, 7 बजे सो गया था, ये दवाई देती थी और उसके बाद फिर सो गया था और अब 8:30 हो रखे हैं। तो भी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और यहाँ पे मेहंदी भी भिगोई थी मैंने कल, तो ये भिगो रखी इसके अंदर मेहंदी लगाऊंगी अब थोड़ी देर में, बाल देखो भी एक हफ्ता भी नहीं चलती, निकल आते हैं सफ़ेद सफ़ेद से। तो भाई अभी कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह साफ कर दिए है, सब्जी भी बना रखी है, बस अपनी रोटी बनानी है, दक्ष की बना दी थी और दक्ष की बना कर वो पैक करके रख रखी है, उठेगा तब यही खा लेगा अपना लंच और मेरी और पापा की बनाएगी। तो उससे पहले मैं कर लेती हूँ काचीवाला जो गेट है, काचीवाला के हर एक जो ये दरवाजे की कुंडी वगैरह है हर एक में तेल पानी कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, बारिश के मौसम में फिर जंग भी लग जा है, तो पहले मैं तेल लगा लेती हूँ इन दरवाजों में। तो अब मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, ये है काचीवाला गेट, वैसे तो ये साफ कर लिया है, जितने भी इसमें मिट्टी वगैरह धूल वगैरह जो भी चली जाती है तो एक बार ये साफ कर दिया और उसके बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मशीन का तेल। मशीन का तेल 1 लीटर के करीब ला कर रख रखा है क्योंकि हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, मशीन में तो थोड़ा बहुत लगता है पर ये दरवाजे वगैरह कुंडी है जितने भी इनके ये होते हैं तो वहाँ पर डाल देती हूँ और कई बार कि उसमें भी डाल लेते हैं साइकिल वगैरह में। और तो यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक इसमें बहुत सारे जॉइंट हो जाते हैं तो हर एक में दो तीन बार करना पड़ेगा क्योंकि बारिश का मौसम अभी गया है तो ये जंग पकड़ लेता है, तो इसकी भी थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ती है वरना फिर यहाँ पर थोड़ा सा वॉशवेशन का ये है तो पानी के छींटे लगते रहते हैं और फिर ये इस साइड से थोड़ा सा जर पकड़ जाता है, वैसे तो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अब मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पे बना रही हूँ मैं फटाफट से रोटी और ये जो तेल लगाने वाला काम था काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि धीरे धीरे हर एक जोड़ में जितने भी उनके जॉइंट से थे हर एक में लगाना पड़ा दो तीन बार क्योंकि भैया एक बार लगा रहे हैं तो अब हाथ भी हो रखे हैं मैं उसके तेल के, तो फिर अच्छे से ही लगा दूँ और भी दरवाजे खिड़की थे उनमें भी लगा दिया साथ के साथ, ताले वगैरह थे उनमें भी लगा दिया, तो बारिश के मौसम में थोड़ा सा ये चीज़ें जंग पकड़ने लगती है तो उनका तो काम कर दिया था। अब मैं यहाँ पे लगी हुई है किचन का काम समेटने में, ये करने के बाद फिर मैं मेहंदी लगाऊँगी, वैसे भी बहुत टाइम निकल गया, लेट हो चुकी थी मैं। तो अब ये किचन का काम तो कर दिया भी कंप्लीट, गैस लैंप कर दी है साफ और बर्तन जितने थे उतने साफ कर दिए और अभी लगाऊंगी मेहंदी, कल सर भी धो लिया था और मेहंदी भी भिगोती थी, जब तक और बाकी के काम निपटाऊंगी तब तक मेहंदी भी लग जाएगी और उसके बाद फिर भाई 2-3 घंटे रख लूंगी और फिर धो लूंगी अपने सर को और एक हफ्ता भी नहीं चलती तब निकल जा है इसका कलर, जो हफ्ते में 2-3 बार तो सर धुल रहे हैं और 2-3 बार सर दुबला है तो फिर मेहंदी निकलती रहा है, तो अब पहले मेहंदी लगा लेती हूँ बाकी फिर बाद में कर लेती हूँ झाड़ू और पोछा, बस यही बाकी है। तो बालों को भी कंघी कर लूँगी, पहले कल एक बार भी कंघी नहीं कर रखी, उलझ रखे हैं थोड़े से
और उसके बाद फिर लगा लेती हूँ फटाफट। ग्लव्स वगैरह कुछ है नहीं अभी मेरे पास, तो हाथों से ऐसे लगाऊंगी, फटाफट से काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने टी शर्ट चेंज कर ली है, क्योंकि अभी सूट पे अगर गिर गई तो फिर उसका दाग जल्दी से निकल आएगी। बड़ों में तो जब मैं निकल जाऊँगा फिर कपड़ों पे से नहीं निकलते मैं देखिए दाग, तो ये इसी में भिगो रखी है। लोहे का बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं किया, सिंपल बस पानी में भिगो रखी है मेहंदी और कुछ भी नहीं डाल रखा अब की बार मैंने इसमें, वरना चाय पत्ती का पानी और लौंग वगैरह को उबाल कर और तब डाला करती हूँ। तो अब बीच सेंटर से बालों को उठा कर और इस तरह जूड़ा बनाती रहूँगी और लगाती रहूँगी, तो इस तरह चारों तरफ इसको लपेटती रहूँगी, थोड़े थोड़े बाल उठा उठा कर और चारों तरफ मेहंदी लगाती रहूँगी और ये लट्टे हैं जो लपेटती रहूँगी, जिस तरह शादी में जूड़ा बन जाता ऊपर बिल्कुल उसी तरह का रेडी हो जाएगा ये वाला जूड़ा। और ये नहीं है कि भाई ये खुलता नहीं है, धोते टाइम आसानी से खुल जाता है, एक एक लट आसानी से खुलती चली जाती है, जब पानी डालते हैं तो बिल्कुल भी नहीं उलझते, क्योंकि इतना तो मैं इतना ज़्यादा इसे सूखने देती, बस 3 घंटे, तो 3 से 3.5 घंटे तक ही लगाती हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगाती। ज़्यादा सूखने के बाद दिक्कत हो जाती है, बाल ज़्यादा जड़ते हैं फिर, तो गिले गिले से ही बाल होते हैं तब मैं धो लेती हूँ, और जितना भी कलर आना होता है वही 3-4 घंटे में आराम से आ जाएगा। वैसे तो पूरा दिन लगा के रखो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने चारों तरफ के बाल थोड़े थोड़े उठा कर और लगा लिया है, कभी ब्रश की मदद से कर रही हूँ कभी हाथों से ही कर रही हूँ। तो भी ये हाथों में है, 2-3 दिन तो लगेंगे इस कलर को निकलने में, कपड़े वगैरह धोऊंगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और थोड़े थोड़े से छींटे से पड़ रहे हैं टी शर्ट पर, इसीलिए मैंने चेंज कर रखी थी, कि भी खुद से लगाते हैं तो थोड़ी बहुत गिरे बिना नहीं रहती, और किसी दूसरे की मदद से लगवाते हैं तो फिर तो थोड़ा सा बचाव हो जाता है। पर यही है, दूसरे का वो देखना कि वो काम करके कब लगाएगा, 2-4 बार बोलना पड़ा है फिर कोई लगाता है, तो इसलिए मैं तो भी खुद ही लगा लेती हूँ जब मजबूरी हो जाती है कि भी बस ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, तब मैं दूसरे की मदद लेना पसंद करती हूँ, वरना जितना हो सके मैं अपना खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए अभी लगा ली, पूरा जूड़ा सेट कर लिया है, जिस तरह पुरानी हीरोइन बनाया करती ना फिल्मों में, पुराने ज़माने की, इतना बारीक सा अच्छा दूसरे आ गया है, और बिल्कुल टी शर्ट की मैचिंग के मेरे हाथ हो गए, देखो ये वाला कलर हो रखा है, मेहंदी का कलर तो अच्छा आ रहा है, देखो बालों में के रंग दिखावेगा अपना। तो लगा ली और अब लगने लगी गर्मी, कर लेती हूँ भाई 2-3 घंटे रखूँगी और उसके बाद धो लूँगी सर, और फिर उसके बाद लगाऊंगी सरसों का तेल अच्छा सा खूब सारा, फिर कल धोलूँगी शैम्पू से, आज नहीं धोऊँगी, आज तो बस खाली पानी पानी से धोऊँगी। तो देख पता ना भाई सही तरीके से लग गई ना बिल्कुल मेहंदी, और खुद से मेहंदी लगाने का तरीका, सिंपल सा तरीका, तो वो आई बटन में आपको मिल जाएगा, वो स्पेशल एक वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो जाकर जरूर देख लेना। तो अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसकी कटिंग, तेल गर्म होने के लिए रख रखा है मैंने, 1 लीटर के करीब तेल बॉईल होने के लिए रख दिया, ताकि क्योंकि अब निकलवा के लेके आए थे तो 2-3 दिन में वो साफ़ हो गया था, जितनी भी उसमें वो थी है वो भी नीचे बैठ गई थी, और अब वो उबलने के लिए रख रखा है, ताकि उसमें जितनी भी दास होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ी बहुत निकल जाएगी, और एक बार बॉईल कर रख दूँगी, फिर सब्जी वगैरह में अलग से स्मेल नहीं आएगी सरसों के तेल की, क्योंकि भी नया नया निकलवाया है तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है दास उसमें। तो यहाँ पे वो बॉयल हो रहा था तेल, वहीं पे मैं इसको कर रही थी गरम, एक चक्कू से इसको कट कर रही हूँ, ये एक प्लास्टिक की ड्रम ही है, तो मैं इसके वो बना रही थी गमले, तो ये वैसे तो किसी काम की यूज़ की नहीं थी मेरे, क्योंकि इसका ऊपर से बस थोड़ा सा ही ये ओपन होने वाला था, तेल वगैरह की है ये, तो चक्कू गरम करके और उसे कट कर रही हूँ इसको,
फुटे से इसका सही निशान लगा लिया था पैन से कि दोनों सेम सेम हाइट के हो जाएंगे। ये क्या रख दे रख दे। तो अब दोपहर का टाइम हो रखा है और ये देखो भी इसकी हालत कैसी हो रखी है। आज सुबह से ही लेट रहा है, पता नहीं बुखार हो गया कि नहाया था और बाड़ में तेल भी नहीं लगा रखी, इसी हालत कर रहा है। यहाँ पे टोस्ट रेडी कर रखे है, 2:30 बजे का टाइम हो रखा है। तो आ जाओ भी, जिसने भी टोस्ट खाने हैं गर्मा गर्म। बस ये हो गए तैयार, अब मैं निकाल देती हूँ। तो आज के ब्लॉग को यही पेंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। और ये इयररिंग्स डाल रखे हैं क्योंकि अभी मैं बना रही थी रील्स, तो एक दो रील्स बनाई है और अब थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। और इसकी देखो भी पीछे हालत, इसके पापा आवेंगे तब दवाई दवा लेके आऊंगी इसको। वैसे मैंने दे दी थी घर पर, इस पर वही है अभी, वही पैरासीटामोल है घर पे, तो और कुछ नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना।